हाय गाइस, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है फीडेक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1 के 6GB रैम वाले वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद पता होगा, उन लोगों ने दो ही वेरिएंट में लॉन्च किया था मैक्स प्रो M1, जो कि था 3GB रैम और 32GB रोम और 4GB रैम और 64GB रोम के साथ। तब उन लोगों ने ये भी बोल दिया था कि हम लोग बहुत ही जल्द लाने वाले हैं 6GB रैम वाले वेरिएंट। और तो दोस्तों, इसमें मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कब ये 6GB रैम वाला वेरिएंट आप लोगों को मिलने लगेगा और इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को प्राइस भी एक्स्ट्रा लगेगा। अभी आप लोगों को जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 15,000 के आसपास आप लोगों को उसका प्राइस लग सकता है जब ये आ जाएगा। और तो इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे मिड रेंज फोन में, तो आप लोगों को अभी प्रेजेंट दिखाई देगा जो कि है आसूस जेनफोन का जो मैक्स प्रो M1, वो तो अभी जस्ट 4GB और 64GB में ही अवेलेबल है, लेकिन 6GB रैम में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे Redmi Note 5 Pro को टक्कर देने के लिए उन लोगों ने अभी कैमरा में थोड़ा बहुत सुधार करने वाले हैं, जो 6GB रैम वाले वेरिएंट लाने वाले हैं आसूस ने। तो उन लोगों ने बोला ये कि हम लोग कैमरा में, आप लोगों को शायद पता होगा जो डुअल सेटअप का कैमरा है उन लोगों का 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। लेकिन उन लोगों ने ये भी बताया कि हम लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि अगर कैमरा को ठीक किया जा सकते हैं तो उन लोग करने वाले हैं। तो मतलब आप लोग यहाँ पे फिक्स्ड मान सकते हैं कि उन लोग कैमरा को ठीक ठाक करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों को जो मेन मोटिव है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है ये, मैं जस्ट मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट में एक चीज बता रहा हूँ कि उन लोगों का मेन मोटिव यही है कि उन लोग Redmi Note 5 Pro को टक्कर दे, क्योंकि उसका कैमरा शायद आप लोगों को पता ही होगा बहुत ही बढ़िया है। अगर मिड रेंज फोन के अंदर देखेंगे तो मतलब 14-15 हजार फोन के बीच अगर देखेंगे अभी फिलहाल इंडिया में, तो वही है एक Redmi Note 5 Pro। तो उसको टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों ने फोन का जो कैमरा है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिए हैं। तो दोस्तों, उस फोन में आप लोगों को वही सब एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बाकी जो सब है 5000 mAh बैटरी बहुत ही बढ़िया है 6 इंचेस डिस्प्ले के लिए, और उसमें आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 636 ही देखने को मिलेगा। सिर्फ आप लोगों का कैमरा में थोड़ा बहुत सुधार मिलने वाला है और आप लोगों को जो कि 6GB रैम वेरिएंट मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे बात है कि कब आप लोगों को ये मिलेगा, तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो नेक्स्ट महीना आने वाला है मतलब जुलाई के एंड तक ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो आप लोग उसको परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, मतलब एक्सपेक्टेड उन लोगों ने डेट कुछ बता नहीं रहे हैं, मतलब फाइनली कुछ एक डेट प्रोमिस नहीं कर रहे हैं उन लोगों ने, जस्ट यही बोला है कि जुलाई के लास्ट तक हम लोग 6GB रैम वाला वेरियंट अवेलेबल कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जस्ट ये अपडेट करना चाहता था कि आसूस की ओर से क्या अपडेट है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसी टाइप का और वीडियो पाने के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए दोस्तों, बाय, जय हिंद।